तो भाई दुनिया में होते हैं दो किस्म के लोग, एक होते हैं पुअर, एक होते हैं रिच। तो पुअर का मतलब इस कहानी में मेरा बेचारा है, और पुअर को अपने गूगल पे सर्च करने पे मुझे रिच ही मिले। तो आज हम आपको बताएंगे कि इन ईद की तैयारियों के अंदर कैसे आप बेचारे रह सकते हैं या प्रो बन सकते हैं। प्रो इन द सेंस के मतलब सुकून से गुजारो, ये सारा सिलसिला। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको देंगे बैठ के। तो पहले बैठ जाते हैं, फिर अगली बातें। तो भाईजान पहला रूल, सबसे पहले जो बाल कटवाने, लेकिन जाना है तुमने ईद से 4 दिन पहले। अब 4 दिन पहले क्यों? पहली बात तो ये रश नहीं मिलेगा, दूसरी बात ईद तक लुक बराबर हो जाएगी। पेश खिदमत है काकू भाई। काफी टाइम से नहीं आए, वापस आ गए। हाँ वापस आ गए। अरे इनके बड़े भाई फैसल भाई, नहीं हम अपने आप को दरी से दिखा रहे हैं, तुम अभी हमको बनाओगे ना फिर सही बन नजर आएगा। भी एस फजूल। लो भाई बाल माल तो बन गए, दाढ़ी भी बन गई, सही है, ठीक है, बराबर हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि कपड़े निकालो और नहाओ। तो ये तो हो गया भाई, ये तो हो गया डन डना डन डन, सही है, ये काम तो हो गया। अब इनको थोड़ा सेट मेट करते हैं। तो भाई हॉस्टल में तो रहते नहीं हो, रहते तुम घर में, तो घर वालों को भी तो कोई ना कोई काम पड़ सकता है ना तुमसे। और जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग, हमारे तो लड़कों को फारिग होना पड़ता है ईद की शॉपिंग के लिए। तो आज चांद रात है और मैं अभी इधर फारिग बैठा हूँ। ये क्यों? क्योंकि हम पहले ही घर वालों को ले गए मॉल, और वहाँ जाके हमने उनको छोड़ दिया कि जाएं आपने जो ख़रीदना है, अपनी जितनी शॉपिंग करनी है आप ख़रीदें, उसके बाद हमसे कोई गिला नहीं करना भाई। और भाई असूल नंबर एक, इधर आओ मैं इधर बताता हूँ असूल नंबर एक क्या है। असूल नंबर एक ये है कि जब घर वालों को तुम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर में छोड़ोगे तो खाली राशन माशन तो लेंगे नहीं, वो चले जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई और शॉपिंग में लग जाएंगे। तो तुमने क्या करना है, उनको उधर ही छोड़ देना है और अपना घूमना शुरू कर देना है, ठीक है। अब घूमो, हम जैसे बंदे हो शॉर्ट्स बनाने की कोशिश कर लो और वैसे घूम लो, चीज़ें देख लो, लेकिन घर वालों के साथ उधर खड़े ना रहो। अगर खड़े रहे तो भाई तुम्हारा काम हो जाना है। रसूल नंबर दो भाई, कभी अंदर के बच्चों को मरने नहीं देना, अंदर का बच्चा जिंदा रहना चाहिए बाबू। रसूल नंबर दो, सामान उठाओ, वालदा को बोलो बिल पे करें, और वालदा लोग बिल पे करें, तब तक आप लोग जो है बच्चों की तरह खिलौनों से खेलो। इधर जब प्यारा है जरा इसकी भी शॉट। It's a new adventure.
शॉपिंग तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, लेकिन रश तगड़ा मिलेगा बाबू। तो रश के अंदर सुकून करना है और आराम से चिल करना है। और हाँ, हम देसी फैमिली वाले हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले। हमारी फैमिली को अगर डिपार्टमेंटल स्टोर ले भी जाओ तो तब भी पूरा सामान नहीं आता। तो ये आखिरी के शॉट, जो उन्होंने आखिरी में फिर हमसे सामान मंगवाया गया, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल क्लियर। और अब हम बैठे हैं रिलैक्स। तो भाई ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता है आपको पसंद आई होगी। लेकिन बहुत दिनों से जो है मैं सब्सक्राइब की कॉल नहीं दे रहा हूँ, लाइक की कॉल नहीं दे रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ भाई जान एक जगह पे ही ब्रेक लग गई। तो यार कोई सब्सक्राइब मारो, कोई दोस्तों वोस्तों को बताओ, कोई यार शार को बताओ। और लव यू हो गया वड्डा वड्डा।